समा प्रभवी रवि घन में सर्व कार्य सर्वदा। प्यारे भक्तों, भगवान शंकर तपस्या करने मेरु पर्वत पर गए थे। माता पार्वती अपने तेज से एक पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम गणेश रखा गया। श्री गणेश जी बहुत चंचल स्वभाव के थे। माता पार्वती गणेश जी को दरवाजा पर बैठने कही और बोली, पुत्र किसी को अंदर जाने नहीं देना, मैं स्नान करके आती हूँ। इतने पर माता गणेश जी को मोदक एवं लड्डू दे दिए और अंदर चले गए। कुछ क्षणों में भगवान शंकर के सेवक भृंगी सुरंगी आए। माता पार्वती को भगवान शंकर के पर्वत पर चले जाने की सूचना पहुंचाने के लिए दरवाजे पर पहुंचे। वहां नए बच्चा देखकर भृंगी सुरंगी गणेश जी से पूछते हैं कि बेटा, माता पार्वती घर में है? तभी गणेश जी बोले, अंदर नहीं जा सकते हो। इतने पर भृंगी सुरंगी भय दिखाया, पर गणेश जी ने लड्डू से मार मार कर दोनों को मुंह टेढ़ा कर दिए। उसके बाद उसकी सूचना शंकर जी के पास जाने से नंदी बाबा को भेजे। नंदी बाबा भी पराजित होकर भाग गए। तभी भगवान शंकर आए और अंदर जाने लगे। तभी अनजान गणेश उन्हें भी रोक दिए। फिर गुस्साए भोले शंकर त्रिशूल से प्रहार कर दिए। गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। गणेश जी गिर पड़े त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए। तभी पार्वती आए और अपने बालक को इस हालत देखकर गुस्सा से तमतमाए बोले, ऐसा हालत किसने किया, अभी हम प्रलय कर दूंगा। तभी भगवान शंकर वहां देखते रहे। फिर पार्वती कही, मेरे तेज से उत्पन्न बालक इन्हें किसी को अंदर ना जाने के लिए आदेश दिए। पुत्र गणेश आदेश का पालन कर रहा था। तभी शंकर जी बहुत चिंता में पड़ गए। इतने में माता पार्वती बोली, आप जिस प्रकार इसे सर धड़ अलग किए, इसे जोड़ दें। शंकर जी ने कहे, जो यहाँ से चलने के बाद सर्वप्रथम मिलेगा उसका माथा ही इसमें लग सकता है और यह जिंदा हो सकता है। भगवान शंकर तलाश में निकले और सर्वप्रथम हाथी का बच्चा मिला, जिनका माथा त्रिशूल से अलग कर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिए। उस दिन से इनका नाम गजानन पड़े। इनका मूसे की सवारी देखकर कार्तिक जी महाराज बोले, मैं बड़ा हूँ। और गणेश जी बोले, मैं बड़ा हूँ। इतने पर नारद जी पहुँचे नारायण नारायण करते हुए और पूछे कि आप दोनों में कैसा झगड़ा चल रहा है। इतने पर सुनाए, हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारद जी बोले, जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा कर दे मेरे पास आ जाएगा, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझूंगा। कार्तिक महाराज जी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और गणेश जी माता पिता का परिक्रमा पांच चक्कर लगाकर खड़े हो गए। इतने में नारद जी पूछे, आ गया परिक्रमा करके गणेश जी? इन्होंने कहा, पिताजी। बोले, माता पिता के परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होता है।
इतने में नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिए, पुत्र संपूर्ण जगत में सर्वश्रेष्ठ आप हैं और सर्वप्रथम आपका पूजा सभी जगहों में होगा, तभी किसी का पूजा होगा। और भगवान शंकर कहे कि पुत्र गणेश भावना से श्रेष्ठ कर्तव्य है जो तुमने किया, इसके लिए सभी शुभ कार्यों के प्रथम में तुम्हारा पूजा होगा। योग ज्ञान विज्ञान संगीत नाट्य आदि कलाओं के तुम अधिष्ठाता बनोगे। हे विघ्नहर्ता, तुम्हारा कल्याण हो। भोले शंकर माता पार्वती के पास बैठे गणेश जी को चंद्रदेव कहने लगे, अति सुंदर जिनके माता पार्वती पिता महादेवा, उनके यहाँ ये ढेरपोटे जैसे जन्म ले लिया, कहकर हंस पड़े। उपहास सुनकर गणेश गुस्सा में आ गए और कहे, अपने सौंदर्य पे गर्व करने वाले चंद्रदेव, याद रखना पुरुष को गर्व होना चाहिए स्वपराक्रम का और स्त्री को सौंदर्य सेवा वृत्ति का। मूर्ख सौंदर्य सदा के लिए नहीं रहता, लेकिन बुद्धिमता और सेवा वृत्ति सदा रहता है। जिस सौंदर्य का तुम्हें गर्व है, एक दिन वह मलिन हो जाएगा। चंद्रदेव ऐसा सुनकर चरणों पर गिर पड़े। इसके पश्चात गणेश जी कहे, तुम्हारा चंद्रकला मैं मस्तक पर धारण करूँगा, ततस्तु। और सुनो, हर मास को वर्त चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन लेंगे, उसके बाद मेरा दर्शन लेंगे, तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे। और दूसरी सुनो, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अर्थात मेरी जयंती, उस दिन जो तुम्हारा दर्शन लेंगे या गलती से तुम्हारा दर्शन होगा, उन पर चोरी का आरोप और महा आपत्ति आएगा। प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।